तो ये है एक निंटेंडो स्विच एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको 2024 में एक निंटेंडो स्विच लेने का सोचना चाहिए या नहीं। तो निंटेंडो स्विच के परिवार में है टोटल चार लोग। सबसे पहले लॉन्च हुआ 2017 में निंटेंडो स्विच V1, फिर आया निंटेंडो स्विच V2 विद बेटर बैटरी लाइफ, फिर आया निंटेंडो स्विच लाइट जो कि एक ओनली हैंड हेल्ड कॉन्सोल था एंड ऑल्सो चीपेस्ट निंटेंडो स्विच है इस पूरे परिवार में, एंड फिर आया एक निंटेंडो स्विच OLED विद बेटर स्क्रीन एंड बेटर बैटरी लाइफ। अब बाकी सब निंटेंडो स्विच कर सकते हैं स्विच फ्रॉम अ हैंड हेल्ड कॉन्सोल टू अ होम कॉन्सोल, यानी आप इन्हें टीवी पे भी कनेक्ट करके खेल सकते हो एंड हैंड हेल्ड मोड में भी खेल सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द निंटेंडो स्विच लाइट, ये सिर्फ हैंड हेल्ड मोड पे ही चलता है। लेकिन लॉन्च के ऑलमोस्ट 7 साल बाद भी क्या ये वर्थ इट है इंडिया में? वेल, दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेक्टेशंस। लेट मी एक्सप्लेन। तो करंटली निंटेंडो स्विच पे बिलीव इट और नॉट PS5 से ज्यादा फर्स्ट पार्टी एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं जो आप और किसी कॉन्सोल पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। अब आपको क्या वो गेम्स अच्छी लगती हैं ये आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, एंड इसका आंसर ऑनेस्टली आपको कोई भी यूट्यूबर एक रिव्यू में नहीं दे सकता है। अब देखो, निंटेंडो स्विच हो या कोई और गेमिंग कॉन्सोल, सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट किसी भी गेमिंग कॉन्सोल का गेम्स ही होता है, एंड निंटेंडो स्विच पे बहुत सारी गेम्स है। सो आई विल सजेस्ट कि इसे लेने से पहले इसकी गेम्स के बारे में एक बार डेफिनेटली रिसर्च करना। निंटेंडो स्विच की बहुत सारी गेम्स का गेम प्ले एंड रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरे रिकमेंडेशंस चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू टू चेक आउट Zelda ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, Zelda टीयर्स ऑफ द किंगडम, Splatoon 3, मारियो ऑडिसी, एनिमल क्रॉसिंग, निंटेंडो स्विच स्पोर्ट, पोकेमॉन सीरीज, सुपर मारियो ब्रोज वंडर, हाइरूल वॉरियर्स एज ऑफ कलामिटी, एंड ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्टी एक्सक्लूसिव गेम्स है। निंटेंडो स्विच पे काफी सारी थर्ड पार्टी गेम्स भी है जैसे Assassin's Creed रिबेल कलेक्शन, Borderlands कलेक्शन, डूम सीरीज, Immortals Phoenix Rising एंड सो ऑन। बट एक इशू जो अब लॉन्च के 7 साल बाद निंटेंडो स्विच की गेम से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि ये गेम्स ऑब्वियसली बाकी कॉन्सोल जितना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, क्योंकि निंटेंडो स्विच अब काफी ओल्ड हार्डवेयर पे रन कर रहा है एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस इशूज जो हमें विचर 3, हॉगवर्ट्स लेगेसी, बैटमैन आर्कम नाइट जैसी गेम्स में देखने को मिल जाता है। अब ये तो चलो थर्ड पार्टी गेम्स थी, बट इवन निंटेंडो की खुद की कुछ गेम्स भी कभी कभी डिसअपॉइंट करती हैं, एंड इसका प्राइम एग्जांपल है पोकेमॉन स्कारलेट एंड वॉयलेट, जिसमें 30 FPS लॉग्ड अभी भी नहीं मिलता है एंड परफॉर्मेंस इश्यूज भी हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बात बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो आपकी एक्सपेक्टेशन विद द निंटेंडो स्विच शुड बी ऑफ 30 FPS इन मोस्ट गेम्स। However, जो गेम्स प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है फॉर द निंटेंडो स्विच जैसे ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड, Splatoon, डूम इटर्नल, टीयर्स ऑफ द किंगडम, एनिमल क्रॉसिंग, मारियो वंडर्स, एस्ट्रल चेन एक्सेट्रा, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है निंटेंडो स्विच पे। चलो ये तो हो गई गेम्स की बात, बट अब आपको मैं थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ द निंटेंडो स्विच भी बता देता हूँ। पहला है कि ये हाइब्रिड मॉडल पे काम करता है, मतलब आप हैंडहेल्ड एंड टीवी दोनों ही टाइप की गेमिंग के मजे ले सकते हो। सेकेंड है कि सब निंटेंडो स्विच के मॉडल्स की परफॉर्मेंस है हर एक गेम में एग्जैक्टली सेम। तो निंटेंडो स्विच लाइट जो सबसे सस्ता निंटेंडो स्विच है एंड निंटेंडो स्विच OLED जो सबसे एक्सपेंसिव निंटेंडो स्विच है, उन दोनों की ही परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपको निंटेंडो स्विच हर एक बजट रेंज में देखने को मिल जाता है एंड विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी आप निंटेंडो स्विच लाइट पे भी ऑलमोस्ट सारी निंटेंडो स्विच की एक्सक्लूसिव गेम्स खेल सकते हो। अब जरा प्राइस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो निंटेंडो स्विच लाइट न्यू आता है 16,000 से लेके 18,000 के बीच में, एंड यही मॉडल आपको प्रीओन्ड में मिल जाएगा 8,000 से 11,000 के बीच में। आई विल हाईली रिकमेंड निंटेंडो स्विच लाइट फॉर बजट गेमर्स। निंटेंडो स्विच V2 आता है 25,000 to 26,000 में न्यू, एंड प्रीओन्ड ये आता है 16,000 to 19,000 में। अब इस प्राइस पॉइंट पे पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू एनीवन। इंस्टेड आपको लेना चाहिए निंटेंडो स्विच OLED जो न्यू आता है 26,000 to 28,000 में एंड प्रीओन्ड आता है ये 20,000 to 23,000 में। इसमें आपको बेस्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस फॉर पीपल जिन्हें जेन्युइनली एक अच्छा निंटेंडो स्विच एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस देता है बट ऑल्सो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। अब पर्सनली मुझे एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज लगता है हैंड हेल्ड कॉन्सोल्स का कि उन्हें राइट आउट ऑफ द बॉक्स खेला जा सकता है। निंटेंडो स्विच के बॉक्स को आप ओपन करो, चार्ज करो निंटेंडो स्विच को, गेम इंसर्ट करो एंड खेलना स्टार्ट कर सकते हो। एक्सबॉक्स एंड PS5 की तरह आपको इसमें मॉनिटर या फिर टीवी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
ऑल्सो ऑफकोर्स क्योंकि ये हैंडहेल्ड कॉन्सोल है तो इसको आप पोर्टेबली कहीं पे भी ले जा सकते हो वाइल ट्रैवलिंग, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एंड ऑल्सो गाइज, हर एक निंटेंडो स्विच की बैटरी बहुत अच्छी है। निंटेंडो स्विच लाइट की ऑन एन एवरेज 4 to 5 hours है, निंटेंडो स्विच V2 की 5 to 6 hours है, एंड निंटेंडो स्विच OLED की 6 to 7 hours है। अब ये तो थी यार अच्छी एंड पॉजिटिव बातें जिन्हें सुन के आपका दिल खुश हुआ होगा एंड आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा निंटेंडो स्विच को लेने से पहले। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने तो एड टू कार्ट भी कर, लेकिन अब आपको यह बताना भी काफी इंपॉर्टेंट है कि निंटेंडो स्विच के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि जस्ट लाइक एवरी अदर कॉन्सोल यार, ऑब्वियसली निंटेंडो स्विच भी परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। सो निंटेंडो कंपनी ऑफिशियली इंडिया में नहीं है, सो नो वारंटी एंड नो कस्टमर सपोर्ट ऑफिशियली। कभी डाउट एक्सेट्रा हो तो आप DNI स्टोर इंस्टाग्राम पेज को मैसेज करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या मेरी वीडियोस देख लो एंड कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हो। वारंटी तो नहीं मिलेगी एंड साथ में पार्ट रिप्लेसमेंट भी मुश्किल है, तो बढ़िया सा केस एंड कवर ले लेना एंड डस्ट से उतना दूर रखना जितना अपनी गर्लफ्रेंड को उसके मेल बेस्ट फ्रेंड से रखना चाहते हो, या जितना आप अपने बॉयफ्रेंड को उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड से रखना चाहते हो। थर्ड नेगेटिव एस्पेक्ट है कि इसमें एक्सट्रीमली हाई एंड ग्राफिक्स वाली गेम्स मत एक्सपेक्ट करना। एंड नहीं यार, इस पे GTA 5 भी नहीं चलती है, PUBG भी नहीं चलती है, फ्री फायर भी नहीं चलती है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि निंटेंडो स्विच पे जो गेम्स रन करती हैं वो अच्छी नहीं दिखती हैं, बट अच्छा दिखना कुड बी अ वेरी रिलेटिव टर्म, राइट? आर्ट स्टाइल किसी एक इंसान को किसी एक गेम का पसंद आ सकता है, किसी दूसरे इंसान को वो सेम आर्ट स्टाइल पसंद नहीं आ सकता है। अगला नेगेटिव एस्पेक्ट है कि निंटेंडो स्विच की गेम के प्राइसेस हाई है फॉर एन एवरेज इंडियन गेमर, एंड ना ही वो प्राइसेस कम होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सब गेम्स एक्सपेंसिव है, बहुत सारी अमेजिंग गेम्स आपको बिलो $10 भी मिल जाएंगी जब ई शॉप पे सेल होती है। ऑल्सो क्योंकि नई गेम के प्राइसेस कभी कम ही नहीं होते हैं, जैसे जेल्डा अभी भी 4000 की मिलती है, तो आपको उसकी रीसेल वैल्यू जब आपको अपनी गेम सेल करनी होती है तो उसमें बेनिफिट मिल जाता है। बट येस, डेफिनेटली बाकी कॉन्सोल की गेम से ज्यादा एक्सपेंसिव है निंटेंडो स्विच की गेम्स, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही एक्सपेंसिव है। मतलब इट इज जस्ट अ निंटेंडो थिंग। अदर देन दिस, आई प्रॉमिस यू आपको निंटेंडो पे अवेलेबल हर गेम इंडिया में मिलेगी, चाहे वो फिजिकली लेना हो आपको फ्रॉम nastro.in या डिजिटली थ्रू ई शॉप। ऑल्सो अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं चलता है स्विच की ई शॉप पे तो भी नो वरीज गाइस, उसका भी जुगाड़ है इंडिया में, आपको ई शॉप गिफ्ट कार्ड लेने होंगे एंड वो भी आपको DNI स्टोर इंस्टाग्राम पेज प्रोवाइड करवा देगा। मोस्टली एक्सेसरीज जो एसेंशियल है वो भी इंडिया में काफी इजीली मिल जाती हैं, जैसे एक्स्ट्रा चार्जर, एक्स्ट्रा जॉयकॉन्स, प्रो कंट्रोलर, केसेस, कवर्स, कार्ट्रिज होल्डर्स एक्सेट्रा। अब एक लास्ट चीज जो थोड़ा सा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है वो है न्यूज रिगार्डिंग द निंटेंडो स्विच 2। अब देखो काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि एक न्यू मोर पावरफुल निंटेंडो स्विच 2 आएगा नेक्स्ट ईयर, एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग रुक के उसको लेना चाहते हो एंड अब आप कंफ्यूज हो कि करंटली निंटेंडो स्विच खरीदना चाहिए या नहीं, एंड दिस इज कम्प्लीटली लॉजिकल। तो ये डिसीजन कि आपको अभी स्विच लेना चाहिए या नेक्स्ट ईयर स्विच 2 लेना चाहिए, इसका जवाब डिपेंड करता है आपके पेशेंस लेवल पे। पेशेंस है एंड बजट इश्यूज भी हैं, तो रुक जाओ अगले साल तक, एक बेटर निंटेंडो स्विच खरीद लेना, जो बाय द वे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आ रहा है, ऐसे सिर्फ रूमर्स है, तो हो सकता है गाइस अगले साल ना आए। लेकिन अगर आपके पास करंटली पैसे हैं एंड आपको एक्सपीरियंस करनी है निंटेंडो स्विच की गेम्स, तो आप अभी भी कर सकते हो। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप निंटेंडो स्विच का एक प्री-ओन्ड मॉडल भी खरीद सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ अबाउट निंटेंडो स्विच, एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, एंड DNI स्टोर इंस्टाग्राम पेज एंड उनकी वेबसाइट nastro.in को चेकआउट कर लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।